रविंद्र यादव हुआ। कहाँ से है सर आप? मैं तो हूँ बिहार से, यहाँ आया हूँ चंडीगढ़ में, ये मोहाली में हूँ, अभी ठहरा हुआ हूँ। अभी तो बीजेपी की सरकार चल रही थी, वो तो अच्छी सरकार है, पर चुनाव में बहुत सारा इशू है, लोकल इशू भी होता है जिससे एमपी लोग चुनाव हारते जीतते हैं। तो अभी ये जो 19 का चुनाव है इसमें बीजेपी को आना थोड़ा सा कठिन लग रहा है, काफ़ी संघर्ष है। ये तो चौकीदार जो है एक चुनावी प्रचार का जो एक नाम दिया गया है, और इसमें पार्टी के सारे कार्यकर्ता लोग बोलते हैं मैं भी चौकीदार हूँ, पर ये कोई शोभा नहीं देता है। चौकीदार कोई बड़ी पोस्ट नहीं है, चौकीदार से भी अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ। ये एक चुनावी मुद्दा बन गया है, सब लोग आजकल सोशल मीडिया पर लगे हैं मैं भी चौकीदार हूँ, काम कुछ नहीं, चौकीदार लोग बनने के लिए उतारू हैं। नहीं, अच्छे दिन तो अभी नहीं आए, पर कुछ अच्छे दिन तो आ ही गए पहले से, लेकिन उतने अच्छे दिन तो नहीं हैं। जैसे मैं हमारे देश की जो सेना, आए दिन उनकी हत्याएं हो रही है और उस पर सरकार जो है कड़ा एक्शन अभी तक नहीं ले पाया है। एक छोटी सी एक्शन ली, फिर लोगों में उम्मीद जगा कि नरेंद्र मोदी जी बहुत सारा बहुत कड़ेल व्यक्ति हैं, 56 इंच का सेना है, इससे भी बड़ा एक्शन की ज़रूरत है और ये चुनाव से पहले चाहिए, तब जाकर लोगों को विश्वास होगा। नहीं, ये बीजेपी से तो लोगों की काफ़ी उम्मीद है, और जो कांग्रेस में जो नए चेहरे हैं उनको तो अभी देश के लोग नहीं आजमा पाए हैं, लेकिन बीजेपी को तो अभी आजमा रहे हैं। कांग्रेस के पुराने चेहरा जो थे उसको लोगों ने देखा, उससे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, विकास नहीं हुआ। अब नए चेहरे जो हैं उनको भी अभी देश की जनता नहीं देख पाई है। अभी फ़िलहाल मोदी जी को देख रही है, उनमें एक ट्रम्प तो देखी क्या विकास होना चाहिए, तो थोड़े से उसमें जुमलाबाजी भी नज़र आया, 370 धारा, 35 ए, राम मंदिर, ये सब तो कुछ बना नहीं, फिर जनता ये समझ रही है। एमआर बाली मेरा नाम है। सरकार हर फिफ्थ ईयर चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि चेंज में ही सारा कुछ, चेंज में ठीक रहता है, विकास कार्य है वो चेंज होने की वजह से जल्दी सब ध्यान से करते हैं। बीजेपी ने किया है, लेकिन उन्होंने कुछ गलतियां भी की हैं, जैसे नोटबंदी है, इसमें मिडिल क्लास को बहुत नुकसान हुआ, उनके पास तो पैसा ही नहीं होता, जो पैसा है वो भी बड़ी मुश्किल से उनको कन्वर्ट किया, जो बड़े बड़े आदमी हैं, बैंक मैनेजर, जो उनके घरों में जाके उन्होंने पैसे चेंज किए, और लाइनों में कौन लगे, मिडिल क्लास लगे। इस टाइम तो फिर कांग्रेस ही आ जानी चाहिए दोबारा, फिर कांग्रेस इसलिए कि 5 साल के बाद जो चेंज होती है वो ठीक रहती है। पहले स्टेटों में जो होते थे ना वो राजे होते थे, हर छोटी छोटी रियासतों के राजे होते थे, अब जितने एमएलए है, एमपी है, और वो सारे ही राजे हैं। वो अब भी हिंदुस्तान में जो राजागिरी है वो ख़त्म नहीं हुई, बड़े आदमियों के पास अरबों रुपए हैं, छोटों के पास तो कुछ भी नहीं है, और मिडिल क्लास है एक। तो जो एमपी एमएलए है उनको हर 5 साल के बाद पेंशन चाहिए, उन्होंने पेंशन, अपनी पेंशन लगाई हुई है, जबकि आम लोग जिन्होंने वही कमाना है, वही खाना है, चाहे नौकरी करता है, उसके उन्होंने पेंशन 2004 से बंद कर दिए। जब ये गवर्नमेंट एम्प्लाई है ही नहीं है, और ये कहते हैं कि हम फ्री सेवा करते हैं, तो फिर इनको पेंशन और भत्ते किस चीज़ के मिलते हैं? शिवांग दुबे, मैं यूपी से। बीजेपी यानी सीआईसी ने अच्छा काम किया। एक तो हमारे जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट थे वो पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं, हमारे जो सिक्योरिटीज़ वगैरह थी वो भी बहुत अच्छी हुई हैं। अब जो फ़िलहाल में ही इन्होंने किया था वो मिशन शक्ति जो किया था, तो उसमें मतलब कि एयर में किसी भी सैटेलाइट को ब्लास्ट वगैरह कर सकते हैं जैसे कि, तो ये सब पहले नहीं हुआ था लेकिन अब हुआ है। और ये जो पहले 2 स्ट्राइक्स हुई हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स, ये भी बहुत अच्छी हुई हैं। और जो 10% जनरल कोटा इनकम के आधार पर आया वो बहुत अच्छा है, ऐसे किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की नहीं है, वो इनकम के लिए वो बहुत अच्छा किया इन्होंने। सुभाष, पंजाब। बीजेपी बेस्ट है, मतलब तुम चल रही हैं अभी, प्रोग्रेस में है। जैसे अभी मोदी जी ने देश विदेश से अपनी जानकारी, जान पहचान बढ़ाई है, जिसके करके हमको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे और हो भी रहे हैं। कुलदीप है जी नाम, खुर्दी गांव है यमुनानगर में जी। बीजेपी अच्छी लगती है हमें, क्योंकि इसने काफ़ी सुधार किए ना, जैसे अभी नोटबंदी हुई थी उसमें काफ़ी पैसा निकला है, काला धन निकला है लोगों का, जो नोट जमा कर रहे थे।
हाँ तो आए हैं, मेरे खाते में पैसे आए हैं। मैं किसान हूँ, मेरी जमीन है 2.5 किल्ले यमुनानगर में ही, गांव कुर्दी में। तो मेरे 2000 रुपये आए हैं, भाई के भी आए हैं, दोनों भाइयों के नाम है जमीन आदि आदि। और जो मेरी फसल ख़राब हुई थी, जो ओले पड़े थे ना जीरी पे, धान जिसको बोलते हैं, ख़राब हो गई थी फसल, तो उसमें भी मेरे 5205 रुपये आए हैं, भाई के भी उतने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को अच्छा, मेरे को लग रहा है कि अच्छे दिन आ रहे हैं। लेकिन आगे शिकंजा टाइट होगा, ये भी मैं मान रहा हूँ इस बात को। जैसे टैक्स चोरी होती है वो रुकेगी, ज़रूर रुकेगी, जैसे अभी रुकी है GST लगने से। GST लगने से जो है टैक्स चोरी रुकी है, पहले 2 नंबर के काम ज़्यादा हो रहे थे, अब कंट्रोल है। नहीं, ये तो डील होती है ना, अगर हम यहाँ रोज गार्डन में बैठे हैं, अगर पाबंदी ना हो कि 500 रुपये लगेंगे फूल टूटेगा, तो वही है ना, अगर कानून सख्त होगा तो बिल्कुल सुधार होएगा ही होएगा। सरकार तो मतलब करती ही है, काम तो अपने कर ही रही है, लेकिन BJP ने ज़्यादा सुधार किया है। रमेश चंद, मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। पहले का दौर ये था कि सभी के सभी लोग एक ही तरफ चलते थे कि चलो हर बार कांग्रेस आए, चलो सभी लोग ये सोचते हैं कि कांग्रेस को ही वोट दो, और कोई मुद्दा उठता नहीं था चुनाव के लिए। जैसे अब पिछले 2014 से BJP इलेक्शन के लिए खड़ी हुई है, मोदी जी आए हैं, तो उनका दौर भी अच्छा रहा, काम करवाने का तरीका भी अच्छा रहा, बहुत तरक्की हो रही है देश में अभी, और नोटबंदी में बहुत बहुत सुधार हुआ है, लोगों का जो है काला धन बहुत इकट्ठा कर रखा था लोगों ने, बहुत बाहर निकल के आया है। नोटबंदी के अलावा एक तो हमारे देश में पहले रोड की बहुत ज़्यादा समस्या थी, सड़कें तकरीबन टूटी हुई रहती थी, कहीं से भी निकल जाओ सड़क टूटी हुई मिलती थी। लेकिन अब यह थोड़ा बहुत है, कम है अभी, लेकिन पहले से हाइवे बहुत अच्छे बन गए हैं, जैसे मर्जी इधर से मर्जी निकल जाओ, कोई समस्या नहीं होती थी। मुख्यमंत्री हुड्डा जी रहे हैं पहले हमारे एरिया में से, वो मतलब कि अपने यमुनानगर इधर से हारे थे ना, वो तो इधर से उन्होंने 5 साल में कुछ भी काम नहीं कराया, सिर्फ उनके अगले प्लान में जो इलेक्शन हुआ है उनके बाद ही उधर सड़क का काम शुरू हुआ है उनका बनने। अच्छे दिन इतने और क्या चाहिए, आर्मी को इतना सपोर्ट मिल रहा है, सारी सुविधा उपलब्ध है आर्मी को, देश को सुरक्षा मिल रही है। कृष्ण कुमार, मैं हरियाणा फतेहाबाद से। देखिए, ज़्यादा कंपैरिजन की बात है, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, बहुत से काम इस सरकार के भी अच्छे हैं, बहुत से काम पिछली सरकारों के भी अच्छे रहते हैं, और वो डिपेंड करता है सरकार, नीतियाँ हर सरकार अच्छी बनाती है, डिपेंड करता है कि वो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर कैसी होती है। कोई भी नीतियाँ हैं वो अगर अच्छे से लागू हो जाए तो हर सरकार की नीति अच्छी होती है। एक ईमानदार CM की छवि उन्होंने प्रस्तुत की है, और काफ़ी जैसे डिजिटलाइजेशन पर स्ट्रेस किया है CM विंडो, और काफ़ी जैसे जॉब में जो है काफ़ी ट्रांसपेरेंसी उन्होंने लाई है। आज हरियाणा का हर बच्चा बुक लेके घूम रहा है। देखिए, इसका भी मापदंड अलग अलग है, इसके बारे में नहीं कह सकते अच्छे दिन आ सकते हैं। देख, अच्छे दिन तभी आएंगे जब हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।